हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस सो गाइस इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में हम क्लास इलेवेंथ के कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर सिस्टम्स चैप्टर का इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं मतलब इस चैप्टर में कंप्यूटर सिस्टम्स में जो इनपुट डिवाइसेज हैं उन इनपुट डिवाइसिस पर रहेगा ये वीडियो आपका डेडिकेटेड तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इनपुट डिज समझ क्या होते हैं ठीक है एग्जिस्ट करते हैं सारे आपको इनपुट डिवाइस दिखा सकूं मतलब कोई आपसे कहे कि भाई इनपुट डिवाइस गिनवा दो पांच तो आप उसको पूरी लिस्ट गिनवा सको कमी ना पड़े आपके पास इनपुट डिवाइसेस की ठीक है तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनपुट डिवाइस हमारे पास उससे पहले ये देख लेते कि इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं ठीक है सो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट डेटा और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड मतलब कि आप हो सकते यूजर कुछ दे रहे हो किसी और फॉर्म में आउटसाइड वर्ड से वो क्या करते हैं डेटा को एक्सेप्ट करते हैं ठीक है तो डेटा और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन टू मशीन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस और उसको ट्रांसलेट करते किस डेटा में ऐसे डेटा में जो मशीन समझ सके उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन सो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं एक मीडियम की तरीके से इंटरफेस की तरीके से काम करते हैं बिटवीन आउटसाइड वर्ल्ड एंड योर कंप्यूटर जिससे कि इनके बीच में बहुत आसानी से कम्युनिकेशन हो सके ठीक है वेन द यूजर्स एंटर डेटा यूजिंग वेरियस इनपुट डिवाइस द डेटा कैन बी सेव्ड इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड प्रिपेरेशन ठीक है तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार यूजर कुछ भी डेटा डालता है इनपुट इनपुट मतलब में तो वो डेटा हो सकता है स्टोर होकर रख जाए और एक्चुअली में, तो तो में जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो इनपुट डिवाइस में जो भी कुछ लिख रहे हो कंप्यूटर के पास जाता है उसको प्रोसेस करता है और आपको अलाउ कर देता है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए तो कम इनपुट डिवाइसेस का यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है और हमें इनपुट डिवाइसेस पता है क्या होते हैं बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस तो हमने देखे भी हुए हैं पर जब लिस्ट की बारी आती है कि भाई इनपुट डिवाइसेस बता दो क्या क्या है तो की माउस बस फिर छुट जाता है कि और क्या ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कितने सारे इनपुट डिवाइसेज है हमारे पास ठीक है चलो तो ये हो गया इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपको पता भी है ही ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने टाइप के इनपुट डिवाइसेस हमारे पास तो सबसे पहला तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है ठीक है सो फॉर एंटरिंग डेटा कॉमनली टूप्यूटर इनपुट कराना है कंप्यूटर में तो सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस कौन सा है की है भाई इट कंटेन्स वेरियस कीज फॉर एंट्रिंग लेटर्स नंबर कैरेक्टर्स बहुत सारी कीज फॉर कम्प्लीटिंग वेरियस एक्टिविटीज सो कुछ एडिशनल कीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो कुछ काम करने में हेल्प करती हैं द कीबोर्ड लेआउट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप राइटर सो ऑल दो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो एडिशनल मतलब जो सेम है जो एक्चुअली टाइप राइटर के तरीके से ही काम करती है बट कुछ एडिशनल कीज़ भी हैं जो उसको अलग बनाता है और उसको हम की बोर्ड कहते हैं ठीक है इट इज जनरली अवेलेबल इन टू डिफरेंट साइजेस जो क्या है 84 फोर कीज या हंड्रेड एंड वन स्लैश हंड्रेड एंड टू की एक्स्ट्रा हो जाती है ठीक है फॉर सॉरी एंड फॉर विंडोज एंड द इंटरनेट मतलब अगर आपको विंडोज और इंटरनेट को भी एक्सेस करना है तो अब और भी कीज वाली कीबोर्ड अवेलेबल है जिसमें 104 या 108 कीज भी आपको देखने को मिलता है ठीक है तो यूजुअली तो यही दो टाइप्स है पर जब विंडोज के इंटरनेट की बात होती है तो बहुत सारे एक्सटर्नल फंक्शनलिटीज ऐड हो जाते हैं कीबोर्ड में तो 104 108 चार की भी बन जाते हैं कीबोर्ड में ठीक है तो यार ये, ये आपका होता है कीबोर्ड और कीबोर्ड के बारे में हमें सब सबको पता ही है बहुत फ्रीक्वेंटली हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई माउस माउस भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं माउस क्या है तो इट स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा है ना उस कर्सर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है माउस करता है सबको पता है ठीक है और ये आपको अलग अलग चीजें सेलेक्ट करने के लिए ओपन करने के लिए मतलब सारा जो आपको उस कर्सर से कर सकते हो वो आपको हेल्प कौन करता है वो आपको माउस करता है राइट ये माउस हम पता नहीं कब से देखते आ रहे राइट हम पता है ठीक है चलो इसके बाद माउस के बाद नेक्स्ट करते हैं भाई टच पैड ठीक है तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है अ अ टच पैड आल्सो कॉल्ड एज ट्रैक पैड इसको ट्रैक पैड भी कहते हैं इट्स अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स दैट डज द सेम थिंग एज अ कंप्यूटर माउस तो जैसे कंप्यूटर माउस आपका काम करता है वैसे ही आपका ये टच पैड या ट्रैक पैड भी काम करता है जिसमें आप फिंगर्स की मदद से आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे ठीक है तो टच पैड भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है भाई ये टच पैड ना लैपटॉप में तो बहुत ही ज्यादा है सबने यूज कराई हुआ है राइट तो ये भी पता है बट जब इसको लिस्ट करने की बारी आती है तो अब हम भूल जाते हैं कि टच पैड भी तो इनपुट डिवाइस है ठीक है या टच ट्रैक पैड भी तो एक इनपुट डिवाइस है राइट चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंटिंग स्टिक अब ये आप लोगों ने काफी लोगों ने हो सकता है रॉज करी हो या नहीं करी हो ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है अब होता क्या है पॉइंटिंग डिवाइस तो यार देखो एक्चुअली क्या होता है जब बहुत ज्यादा फास्ट टाइपर्स होते हैं जो टच टाइपिंग करते हैं ठीक है तो यहां एफ होता है यहां जे होता है जहां ये आपके मार्किंग होती हैं कीबोर्ड को पहचानने के लिए अब वो इतनी तेज टाइप कर रहे होते हैं कि कीबोर्ड पे उनके पास पूरी मतलब पकड़ रहती है वो कभी भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं अब वो बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते कि बार बार माउस पे आए कुछ भी सपोज आगे पीछे करना है ऊपर नीचे करना है तो माउस पर आए करें तो इसलिए बहुत रेयर सिचुएशंस में वहां आए और जो नॉर्मल काम है जो यूजुअली जरूरत पड़ती है वो कर सके उसके लिए यार ये दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंटिंग स्टिक जो एक्चुअली आपका और एच के बीच में सिचुएटेड होता है और ये जी और एच के बीच में जो पॉइंटिंग स्टिक सिचुएटेड होती है ये आपके जो ऑपरेशन है मतलब कंट्रोल है वो बहुत आसान बना देती है

सो अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन तो एक डिस्प्ले स्क्रीन ही होती है पर इस स्क्रीन में सेंसिटिविटी होती है प्रेशर के लिए ठीक है है अ मतलब ये जो आपके touch है, उसको पहचान जाते हैं अ तो तो करके हम इसको कर कर सकते control कर सकते हैं हैं सभी यूज करते ही हैं है स्क्रीन तो स्मार्टफोन यूज करते हैं सब लोग राइट तो स्क्रीन रियलाइज यूज हम बहुत करते हैं बट रियलाइज नहीं करते कि वो भी तो एक इनपुट डिवाइस ही है हम इनपुट डिवाइस में लिख सकते हैं उसको राइट तो स्क्रीन भी आपका इनपुट डिवाइसेस है इसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है भाई नेक्स्ट आता भाई ट्रैक बॉल ठीक है अब ये ट्रैक बॉल काफी लोगों को पता होगा काफी लोगों को नहीं भी पता होगा ट्रा ये जो ट्रैक बॉल है ये क्या करता है भाई ये आपका पूरा सिस्टम मतलब आपको रोटेशन कंट्रोल करना है तो ये रोटेशन कंट्रोल करने का काम आता है अगर आप इससे गेम खर, खेलते हो ना थ्री गेम्स तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा सपोज आप कुछ भी गेम खेल रहे हो और सामने वालों को आपको वर्टिकली और हॉर्जोंटली सब कुछ कंट्रोल करना है इस ट्रैक बॉल की मदद मतलब से कंट्रोल करोगे बहुत आसान हो जाएगा आप पूरा इसको रोटेट करके सामने वाली चीज़ को कंट्रोल कर सकते ठीक है इट कंप्राइजेस ऑफ अ एक्सपोज प्रोट्रूडिंग बॉल हेल्ड बाय अ सॉकेट हैविंग सेंसर्स हेल्डिंग प्रो ट्रूडिंग बॉल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ठीक है जो सॉकेट के बीच में हेल्ड है और उसमें नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं जो बॉल का रोटेशन देख सके तो यार कोशिश क्या करो आप कोई भी गेम खेल रहे हो सबोज कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो ठीक है उसको इससे कनेक्ट कर लो ठीक है अब आपको ऊपर नीचे और मतलब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल और वर्टिकल कंट्रोल की टेंशन नहीं है आप इस ट्रैक बॉल की मदद से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल दोनों कर सकते हो साइमल्टेनियसली एक साथ ठीक है काफी आसान हो जाएगी चीजें इसके लिए एक बार इसको यूज करके देखो ट्रैक बॉल को यह भी एक टाइप का आपका इनपुट डिवाइस ही है ठीक है आफ्टर ट्रैक बॉल कम्स योर जॉयस्टिक अब जॉयस्टिक तो यार हम सबने देखी है राइट कुछ लोगों ने यूज भी करी होगी कुछ लोगों ने नहीं भी करी होगी गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक दैट पाई ऑन अ बेस एंड रिपोर्ट्स इट्स एंगल एंड डायरेक्शन टू द डिवाइस इट इज कंट्रोलिंग तो इस एंगल के बेसिस पर ही हम ये जज करते हैं कि क्या करना है ठीक है तो इससे जो है आप सामने वाले कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो तो गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है तो ये भी हम भूल जाते हैं और तो बहुत कॉमन है याद भी रह जाता है बट कभी कभार भूल जाते हैं कि यार ये भी एक इनपुट डिवाइस है राइट तो जॉयस्टिक भी एक टाइप की इनपुट डिवाइस है ठीक है जॉयस्टिक के बाद नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट आपका आता है भाई गेम पैड ठीक है अब ये गेम पैड क्या है ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है अब इस गेम पैड को कंट्रोलर से कंफ्यूज मत कर जाना ठीक है जब आपके पास कंट्रोलर्स होंगे ना एक्सबॉक्स के पी के उन कंट्रोलर से कंफ्यूज मत करना ये गेम पैड अलग चीज है ठीक है अ गेम पैड ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड जॉय पैड रेफर्स टू एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर गेमिंग पर्पजेज It is a video game controller that can be held with both hands and has multiple buttons on it to be pressed by thumb. Okay?

ठीक है पैडल कंट्रोलर रोटेट थ्रू अ फिक्स्ड आर्क यूजुअली अबाउट 330 डिग्रीज इट हैज अ स्टॉप एट वन एंड तो एक एंड पे रुक जाता है फिर आपको दोबारा रोटेट करना पड़ेगा वापस आओगे सो थ्री थर्टी डिग्री के आसपास इसका रोटेशन होता है एक बटन भी होता है फायर करने के लिए कुछ ठीक है तो ये आपका कुछ होता है पैडल ये भी एक टाइप का गेम कंट्रोलर है जो यूज होता था ठीक है फॉर गेमिंग पर्पजेस ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है ठीक है अब इसको जब आप मिक्स कर देते हो तो आपका गेम कंट्रोलर बन जाता है अब गेम कंट्रोलर बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन है भाई पे आपको स्टिक जॉयस्टिक भी दिखेगी मिनी जॉयस्टिक भी दिखेगी बटन्स भी दिखेंगे तो अगर सपोज मैं इसकी बात करूं कंट्रोलर की तो इस कंट्रोलर में देखो जॉयस्टिक भी है ये जॉयस्टिक भी है बटन्स भी हैं ठीक है पैडल भी है तो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है यहां पर ठीक है तो ये जो कंट्रोलर होता है जो गेम कंट्रोलर होता है यहां पर भी बटन्स एग्जिस्ट करते हैं राइट सो so, ये सब जब आप मिला देते हो तो आपको क्या मिलता है आपको कंट्रोलर मिल जाता है गेम कंट्रोलर तो गेम गेम कंट्रोलर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं यूजुअली लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं आपके क्या कहते हैं जॉय पैड के साथ तो ये जॉय पैड नहीं है कंट्रोलर अलग है ठीक है अब आप ये भी ले लो यार ये भी तो मल्टीपल फंक्शनलिटी के साथ आता है सिर्फ स्टिक थोड़ी है जो कंट्रोल कर रहा है बटन भी इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं या नीचे भी बटन है अलग अलग ठीक है तो इसीलिए यह सब क्या है भाई ये सब गेम कंट्रोल है जिसमें मल्टीपल फंक्शनलिटीज मतलब अकॉर्डिंग टू द गेम्स पर्टिकुलर स्पेशल गेम्स के लिए बहुत सारी फंक्शनलिटीज देखे हमने अलग अलग कंट्रोल बना लिए गेम कंट्रोल ठीक है आई होप आपको समझ में आई होगी ठीक है सो यार ये होगा आपका गेम कंट्रोल अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके पास किस किस टाइप के इनपुट डिवाइस है जो जो टाइप का जो जो इनपुट डिवाइस आपके पास है अगर इस लिस्ट में जो मैंने इनपुट डिवाइस की लिस्ट बनाई इससे अलग भी कोई इनपुट डिवाइस है तो वो भी बिल्कुल इंक्लूड करिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो भी इनपुट डिवाइस एक्सेस करता है ठीक है अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इंक्लूड करिएगा अपने पास जो भी आपके पास जो भी इनपुट डिवाइसेस है उनको

तो यहाँ पे क्या होता है यार एक रोटेशन वाला पार्ट है आप यहाँ पे क्लिक करो मतलब होल्ड करो और इसको कंट्रोल कर सकते हो आप इसकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो पर फ्रेम अब माउस से कंट्रोल करना बड़ा दिक्कत हो जाता है यार एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हो आप बहुत बार मल्टीपल स्विच कर जाओगे बट अगर आपको एक एक फ्रेम कंट्रोल करना है तो आप इसकी मदद से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे ठीक है तो वीडियो एडिटिंग के लिए भाई ये जो जॉक डायल है नॉब है 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 ये बहुत होता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता हेल्पफुल भी चीज़ है। अलग अलग इसमें क्वालिटी आती है क्या है इनपुट डिवाइस जो हम अवेड ही नहीं है यार ये भी एक है राइट तो यार ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है ये भी आप इंक्लूड in कर सकते हो इनपुट डिवाइस की लिस्ट में अपनी ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो क्या है वो है भाई लाइट पेन जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ तो ये लाइट पेन है क्या है देखो अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट सेंसिटिव दाइटिव इन कंजंक्शन विद अ कैथोड डिस्प्ले ठीक है इट अलाउज द यूजर टू पॉइंट टू डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन इन अमिलर वे टू अ टच स्क्रीन बट विद ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी तो जैसे टच स्क्रीन में आप हाथों से उंगलियों से करते दो जैसे ये उंगली से देख देख रहे हो उंगलियों से मैं कर सकता हूं ऐसे ही प्रोसीजन से करने के लिए आपके पास पेन एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं लाइट पेन ठीक है तो ये आपके पास लाइट पेन है ठीक है तो ये भी सबको पता है ठीक है कुछ नया नहीं है ये भी सबको पता है आ, काफी बच्चे यूज भी करते होंगे राइट तो ये सब कॉमन है लाइट पेन तो कॉमन है बट इसको इन्वॉल्व करना भूल जाते हैं हम अपनी लिस्ट में ऑफ इनपुट डिवाइसेस ठीक है तो ये मत भूलिएगा लाइट पेन के बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई स्कैनर अब ये तो याद रह जाता है स्कैनर तो सबको याद रह जाता है ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल स्कैनर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट यूजेज अट बीम टू स्कैन कोड टेक्स्ट और ग्राफिक इमेजेस डायरेक्टली इन टू अंप्यूटर और कंप्यूटर स्क्रीन सिस्टम तो इसलिए जो स्कैनर यूज होता है मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी को आपको स्कैन कराना है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब क्या यूज करते हो स्कैनर अब स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो सबको याद रह जाता है सब इंक्लूड कर ही लेते हैं तो इसकी तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है राइट सो स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई

अटैच्ड टू अ यूजर्स मॉनिटर और आर बिल्ट इन टू द हार्डवेयर तो कुछ में बिल्ट इन आता है कुछ में आपको अटैच एक्सटर्नली करना पड़ता है तो यार ये सब आपको पता है बट इंक्लूड करना भूल जाते हो इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट में तो बस वो मत भूलो आपकी बहुत लंबी बन जाएगी लिस्ट तो वेब कैम्स भी एक इनपुट डिवाइस है इसके बाद नेक्स्ट क्या भाई डिजिटल कैमरास भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे भी आपके शूट हो रही है वीडियोस ये डिजिटल कैमरास ये भी कनेक्टेड ही तो है भाई पीसी से तो जो वीडियो है मेरी वो भी इनपुट के फॉर्म में ले रहे हैं

राइट right. लैपटॉप्स में बहुत फ्रीक्वेंट uh, हो गया फिंगरप्रिंट सेंसर्स तो वहां हम यूज तो करते हैं बट भूल जाते हैं कि भाई वो भी तो एक इनपुट डिवाइस है तो लिस्ट में इन्वॉल्व करना ना भूले फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी सो फिंगरप्रिंट स्कैनर आर डिजिटल इनपुट डिवाइस दैट रीड आर ह्यूमन फिंगरप्रिंट एंड आउटपुट आर टू डी स्लैश थ्री डी इमेज डेटा सेट दैट आर फिंगरप्रिंट मैचिंग सॉफ्टवेयर कैन एक्सप्लोर्ट ठीक है तो ये आपको कुछ फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो आप बहुत मतलब यूज बहुत ज्यादा करते हो पर भूल जाते हो लिस्ट में इंक्लूड करना फिंगरप्रिंट स्कैनर को ठीक है तो ये मत करो बस सो आफ्टर फिंगरप्रिंट स्कैनर कम्स योर ग्राफिक्स टैबलेट तो यार आपने देखा होगा काफी सारे टीचर्स आजकल जो आपको पढ़ाते हैं डिजिटली ठीक है तो कहीं पे लिखते हैं और वो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है ठीक है तो वो कहां लिखते हैं वो भाई इसी जगह तो लिखते हैं किस में आपके ग्राफिक्स टैबलेट में सो so, ग्राफिक टैबलेट्स टच स्क्रीन वाला काम नहीं है यहां पे यहां अलग चीज है ठीक है सो अ टैबलेट आल्सो नोन एज द डिजिटाइजर ड्राइंग टैबलेट ड्राइंग पैड ड्राइंग सॉरी डिजिटल ड्राइंग टैबलेट पेन टैबलेट और डिजिटल आर्ट बोर्ड इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट डेटल एनेबल्स अंड ड्रॉ इमेजेस एनिमेशन एंड ग्राफिक्स विदेसिफिक पेन लाइक स्टाइलस टैबलेट्स में ऑल्सो बी यूज टू कैप्चर डेटा और हैंड रिटन सिग्नेचर्स इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रेस एन इमेज फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर दैट इज टैब्ड और अदरवाइज सिक्योर्ड टू द टैबलेट सर्फेस तो इस तरीके से भाई आपका काम होता है ठीक है यहां स्क्रीन नहीं होती यहां आप जो भी लिखते हो आपको अलग सी स्क्रीन में देखते हैं मतलब ये हमने सेपरेट कर दिया टच वाला पार्ट मतलब इनपुट वाला पार्ट और डिस्प्ले वाला पार्ट अलग कर दिया इससे पहले जो टच स्क्रीन या जो आप देखते हो टच स्क्रीन वो अलग होते हैं उसमें डिस्प्ले और इनपुट दोनों मिक्स होते हैं ठीक है ग्राफिक्स टैबलेट में ऐसा नहीं होता ठीक है आई होप इसे समझ में आई हुई ग्राफिक्स टैबलेट तो काफी लोगों ने तो यूज भी किया होगा इसको देखा होगा ग्राफिक्स टैबलेट को तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है इसको इंक्लूड करना ना भूले आफ्टर दिस कम्स योर माइक्रोफोन अब जिससे मैं अभी बोल रहा हूं जिससे आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है आवाज आपकी नहीं मतलब मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो भी क्या है एक इनपुट डिवाइस तो है और आप लोग यूज भी करते हो फोन पे बात कर रहे हो माइक्रोफोन का ही तो यूज कर रहे हो माइक्रोफोन से ही तो आवाज आपकी कैप्चर होकर बात मतलब रिकॉर्ड हो पा रही है जा पा रही है तो माइक्रोफोन भी एक टाइप का क्या है माइक्रोफोन भी एक टाइप का भाई इनपुट डिवाइस है पता है यूज करते हैं रोज में पर इसको इंक्लूड करना भूल जाता है अपनी लिस्ट में तो वो मत करिए बस तो भाई माइक्रोफोन क्या है माइक्रोफोन अलाउस टू इनपुट ऑडियो इनटू टू कंप्यूटर्स तो ये भाई आपके ऑडियो ये, ये आपके माइक्रोफोन से जिसका मैं भी अभी फिलहाल यूज कर रहा हूं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है बट लिस्ट में इंक्लूड करना हम भूल जाते हैं ठीक है चीके? तो यार ये आपका एक टाइप का इनपुट डिवाइस है डोंट फॉर्गेट दैट आफ्टर माइक्रोफोन कम्स योर एम आई डी आई की बोर्ड ठीक है अब एम आई डी आई क्या है भाई तो जब आपको म्यूजिकल इंटरफेस को कैप्चर करना है डिजिटली तो तब आपको इसका यूज आता है सो एम आई डी आई की बोर्ड और कंट्रोलर की बोर्ड इज टिपिकली आ पियानो स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल की बोर्ड ऑफ इन विद अदर बटन व्हील्स एंड स्लाइडर्स यूज फॉर सेंडिंग एम आई डी आई सिग्नल और कमांड्स ओवर अ यूएसबी और एम आई डी आई फाइव पिन केबल टू अदर म्यूजिकल डिवाइस और कंप्यूटर्स सो आप जैसे एक पर्टिकुलर जो पियानो टाइप का सिस्टम होता है उसमें कुछ भी करके आप क्या कर सकते हो आ, जो भी म्यूजिकल रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में किसी और डिवाइस में सेंड कर सकते हो ठीक है काफी बच्चे इसको यूज भी करते होंगे उनके पास होगी भी जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं या म्यूजिशियन है, है फिलहाल राइट right? तो वो इससे चीजें यूज करते होंगे ठीक है तो ये भी क्या है ये भी एक इनपुट डिवाइस है भूल जाते हैं यूज तो करते हैं पर जब पेपर में आता है तब ब्लैंक हो जाते हैं भूल जाते हैं कि भाई ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है ठीक है तो बस वो मत करो इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है भाई एम आई टी आई की बोर्ड के बाद अब एम आई सी आर ठीक है एम आई सी आर तो इसको हम एम आई सी आर कोड कह लो या एम आई सी आर कोड रीडर कह लो ठीक है तो एम आई सी आर के आई आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो बट क्लैरिटी नहीं है कि एम आई सी आर क्या होता है तो दे देता हूं मैं आपको क्लैरिटी क्या होता है एम आई सी आर तो यार चेक्स में यूज़ होता है। चेक्स की मदद से ही समझाता हूं तो यार एक चेक है ये। चेक है। इसमें हमें ये पहचानना है भाई ये किसका चेक है किस बैंक का चेक है किस अकाउंट का है किस ब्रांच का है किस बंदे का है मतलब किसने ये, ये ये चेक साइन किया है दिया है वो सब हमें पहचानना है उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है रिट्रीव कर सके अमाउंट वगैरह ठीक है तो वो सब आप इसमें स्टोर करा सकते हो इस पेपर में और कोई इंसान उसको पढ़ भी नहीं पाएगा उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा किस तरीके से एम आई सी आर की वजह से एम आई सी आर कोड की वजह से तो जो चेक होता है ना चेक में यहां पर एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं एम आई सी आर कोड और ये कोड कोई ह्यूमन बींग नहीं पहचान सकता ये एक मशीन ही पहचान सकती है बिकॉज इसको ही ये मैग्नेटिक कोड समझ में आएगा

OCR. OCR होंगे और काफी लोगों के लिए नई भी टेक्नोलॉजी है राइट सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्टिकली आप कैरेक्टर को समझ सके यूजेज अ डिवाइस ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगशन यूजाइस दैट रीड पेंसिल मार्क्स एंड कन्वर्ट दे सॉरी इंटू कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म तो एक्चुअली जो भी आपने पेंसिल के फॉर्म में या ग्रेफाइट के मदद से आपने जो भी चीज लिखी है या पेन की मदद से लिखी है उसको रीड कर सके और कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके उसी को तो ओसीआर कहते हैं ठीक है ओसीआर टेक्नोलॉजी रिकग्नाइजेज कैरेक्टर ऑन अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूजेज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपमेंट एंड मीडिया तो एक्चुअली ये ऑप्टिकल मतलब लाइट की प्रॉपर्टीज होती है सच दैट डार्क को हम पहचान सके लाइट को पहचान सके ठीक है और हम ये डिफाइन

ओ एक इनपुट डिवाइस इसके बाद ओसीआर के बाद नेक्स्ट आता है भाई आपका बार कोड रीडर अब ये बार कोड तो सबने देखा होगा राइट ये बार कोड सबने देखा होगा अलग अलग लाइंस होती हैं तो यार अगर इसमें आप लाइंस देखो तो इसमें एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं ठीक है ये जो है आपकी बड़ी लाइन है ठीक है फिर लास्ट में बड़ी लाइन है और फिर बीच में एक बड़ी लाइन है और इसके इधर उधर इक्वल नंबर number में नंबर होते हैं दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 नंबर होते हैं जो अलग अलग प्रिडिक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं अब एक्चुअली क्या है एक कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी निकाली और सबको बेच दिया इन वर्ड में ठीक है अब हर कंट्री के पास अपना अलग कोड है तो इनिशियल कुछ नंबर्स कंट्री का कोड बताते हैं फिर किसी कंपनी ने उस पर्टिकुलर उसको खरीद लिया तो फिर वो कंपनी का कोड आ जाता है और उसके पास जितने भी सारी चीजें हैं उन सबको हम आगे बा, 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 बाकी बचे हुए नंबर से काउंट कर सकते हैं तो एक्चुअली ये नंबर ही लिखा हुआ है पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है मतलब अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट सपोज मैंने एक ये लाइन बनाई ये डार्क लाइन बनाई ठीक है से और ये एक लाइन बना दी ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे अलग अलग इंटेंसिटी की अलग अलग इंटेंसिटी लाइंस नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो नंबर्स को ही पहचानने का काम करते हैं ये अब ये जो मतलब ये जो क्या कहते हैं आपका बार कोड है ये बार कोड रीड करने का काम कौन करता है एक डिवाइस करता है ना तो जो डिवाइस करता है उसी को तो बार कोड रीडर कहते हैं ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है भूल जाते हैं हम लोग ठीक है हम मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं अलग अलग जगह पे वहां इस ओ का यूज करते हैं पर हम भूल जाते हैं सॉरी बार कोड का यूज करते हैं बट हम भूल जाते हैं कि बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है तो बस वो मत भूलो यार ठीक है सो अब बार कोड रीडर और बार कोड स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस विच इज एबल टू स्कैन एंड डी कोड बार कोड सो so, ये एक ऐसा रीडर है या एक ऐसा स्कैनर है जो आपका क्या कर सकता है स्कैन कर सकता है बारकोड्स को डी कर सकता है ठीके? अब ये किसका यूज करते है? आपने देखा होगा यहां से लाइट निकलती है तो लाइट कौन सी होती है, वो होती है और ये इंफ्रारेड लाइट का ही यूज करता है कौन? आपको समझ कि बारकोड रीडर क्या है ठीक है तो ये है आपका बार कोड रीडर अब नेक्स्ट इसके बाद रियलाइज नहीं करते बस इसको बस याद रखो इनपुट डिवाइस ठीक है ठीके? अब बार कोड रीडर के बाद नेक्स्ट आ जाता है अब ओ एम आर के लिए तो सब कंसर्न होंगे राइट right? पेपर ही ओ एम आर में होने वाला है सो ओ एम आर के लिए सब कंसर्न होंगे और सब पेपर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो भी ओ एम आर में होता है ठीक है तो अब ये ओ एम आर शीट रेड कैसे होती है मतलब कौन मतलब समझते कैसे हैं जो आपने फिल किया कि क्या है वो तो जो ओ समझी जाती है तो जो डिवाइस है वो भी तो इनपुट डिवाइस है भाई जिसमें आप इनपुट दे रहे हो सो ओ एम आर दैट इज ऑप्टिकल मार्क रिकोगशन में क्या करता है अगेन ऑप्टिकली मतलब लाइट की मदद मतलब से हम रिकोगनाइज करते हैं कि क्या है जहां डार्क है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी जहां लाइट है वहां से पर जहां लाइट कलर है मतलब व्हाइट कलर है वहां से लाइट परफेक्टली विजिबल हो जाएगी इस एक पैटर्न बना लेंगे और उस पैटर्न को मैच कर लेंगे तो इस तरीके से कुछ ओ आपका चलता है पर ये जो डिवाइस हम यूज करते हैं इस ऑफ शीट्स को स्कैन करने के लिए आंसर शीट्स को स्कैन करने के लिए ये भी क्या है भाई ये भी तो आपके इनपुट डिवाइसेस ही हैं बस ये ध्यान रखो सो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क् डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वेज एंड टेस्ट ओ एम आर इज नाउ यूज एज एन इनपुट डिवाइस फॉर डेटा एंट्री तो इसलिए भी यूज इस होता है ठीक तो हो है तो आई होप ये आपको पता होगा पता तो सबको है कि यार भरते हैं ठीक है पर ये नहीं सोचते कि यार ये कोई डिवाइस ही तो पड़ता होगा उसको वो डिवाइस क्या है भाई इनपुट डिवाइस ही तो है बस याद रखो इंक्लूड करो अपनी लिस्ट में तो यार ये हो गया आपका OMR, मतलब ऑप्टिकल मार्क यार्कनेशन एक इनपुट डिवाइस इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई पंच कार्ड्स अब जैसे मैंने आपको एवोल्यूशन में भी बताया था पंच कार्ड्स यूज होते हैं राइट पंच कार्ड्स यूज होते हैं तो यार पंच कार्ड्स ये वही है पंच कार्ड्स क्या है ये वही वाले आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जो पुराने कंप्यूटर्स में इनपुट देने का काम करते थे कौन पंच कार्ड सो पंच कार्ड्स हम बहुत एंशियट कंप्यूटर्स में यूज करते थे ये वहां पे इनपुट के फॉर्म में ठीक है अब क्या होता है देखो अब पंच कार्ड इज अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर दैट होल्स डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल्स इन प्री डिफाइंड पोजिशन सो एक्चुअली जो एसकाई कोड है ना जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी इनकोडिंग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर आपका इनकोडिंग्स के ऊपर ही है जहाँ पे एसकाई इनकोडिंग आती है तो एसकाई के फॉर्म में यहां पे आपके पंच लगाए जाते हैं मतलब होल्स uh, किए जाते हैं अब एक पर्टिकुलर कोड जो भी दिखाता है उसको हम कोड मार्किंग से मैच करते हैं और वो कैरेक्टर को उठा लेते हैं ठीक है तो इसी तरीके से पंच पंच कार्ड कार्ड काम करता है अब ये जो है है जो ये भी क्या इनपुट तो है जो उसको रीड कर रहा है ठीक है तो ये भी भाई एक इनपुट डिवाइस डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ होल्स एंड प्रीडिफाइंड पोजीशंस पंच वर वंस कॉमन इन डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन टू डायरेक्टली एक इनपुट रीड करता है तो ये मैंने आपको बहुत सारे लिस्ट दिखा के। मुझसे ये मत कहना सर, नहीं पता क्या होते हैं स्कूल में कॉलेज मतलब कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए इनपुट डिवाइसेस का कि भाई इनपुट डिवाइसेस लिस्ट करा दो पांच छह सात आठ नौ दस आप पूरी लिस्ट सुना देना इनपुट डिवाइसेज की सारे इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको यहां पे लिस्ट करा कि कितने सारे इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास और वो कैसे दिखते हैं यूज भी हमें पता क्या होता है अ टाइप ऑफ ठीक है और ये बस अपनी जो है ना मेमोरी में स्टोर कर लेगा कितने और मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि इनमें से कौन कौन से इनपुट डिवाइस आप लोगों के पास हैं ठीक है ठेके? या फिर इनके अलावा जो मेरी लिस्ट में है इनके अलावा अगर आपके पास कोई इनपुट डिवाइस है तो वो और मुझे जरूर बताना ठीक है so, सो

Thank you very much.